झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुबह 11 बजे स्पीकर के संबोधन के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी, जिसके बाद सदन में शोक प्रस्ताव लाया जाएगा और साथ ही मृत राजनेताओं, समाज सेवी, गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। वहीं 11:15 पर राज्यपाल रमेश बैस विधानसभा पहुंचेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद 11:30 पर राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होगा, जहां वो सरकार के कार्यों से सदन को अवगत कराएंगे। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी होगी। आज से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू होना है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत होगी। तो झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से 25 मार्च तक आहूत है। बजट सत्र में कुल 17 कार्य दिवस होंगे। 5वें विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जाएंगे। 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। 28 फरवरी को चालू वित्त वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट भी सदन में पेश किया जाएगा। और सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। विपक्षी सदस्य मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। नई शराब नीति पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा सकते हैं। तो बताया आपको कि 5वें विधानसभा के 8वें बजट सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। 2 मार्च को आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। 3 मार्च को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश होगा। 28 फरवरी को चालू वित्त वर्ष 2021-22 का तृतीय अनुपूरक बजट सदन में। और सत्र के हंगामेदार होने की भी आशंका है, जहां एक तरफ विपक्ष सदस्य मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। नई शराब नीति पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल उठा सकते हैं। तो बताएं आपको कि सत्र के हंगामेदार होने की आशंका है। आशंका इसलिए है, मॉब लिंचिंग, भाषा विवाद और नई शराब नीति पर सरकार को घेरने का काम करेंगे विपक्ष। और जुड़ते हैं सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है। अजय, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है आज से और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष सदन में उठाएंगे, सरकार को घेरने का काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये बजट सत्र भी हंगामेदार होने की आशंका लग रही है। देखिए राजदा, अनुमान के मुताबिक जो रिकॉर्ड रहा है झारखंड विधानसभा का, क्या पिछले कई सालों से ऐसा कोई सत्र नहीं रहा जब उसमें हंगामे ना हुए हों, शोरगुल ना हुए हों। लेकिन इसी देश में अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा और लोकसभा के बजट सत्र का प्रथम सेशन संपन्न हुआ और अजीबो गरीब तरीके से शांति बनी रही। तो मुझे लगता है कि यदि दिल्ली की कुछ सीख यहाँ के विधायक ले चुके होंगे या फिर लेने की कोशिश करेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड विधानसभा का सत्र शांतिपूर्वक चलेगा। सरकार ने भी कहा है, सरकार के जितने मंत्री हैं उन्होंने भी कहा है विपक्ष के विधायकों से कि आपके पास यदि सवाल है तो सवाल का जवाब जरूर मिलेगा। लेकिन इस राज्य में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे देखकर ये राजा आपकी आशंका बिल्कुल सही है कि झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में एक बार फिर से हंगामे होंगे। सबसे अहम मामला होगा भाषा विवाद का। जिस प्रकार से
पक्ष और विपक्ष आमने सामने है भाषा विवाद को लेकर। मुझे लगता है कि यह मामला जरूर से जरूर उठेगा। उसके बाद ही कुछ दिन पहले एक युवक की हत्या हो गई थी, उस मामले को भी विपक्ष मुद्दा बनाने की कोशिश में है, और साथ ही जो नियोजन नीति है उस पर भी मामला गर्म हो सकता है। उसके बाद भाषा विवाद के बाद उसके बाद जो कई प्रकार के ऐसे मसले हैं जिस पर कि विपक्ष अपनी भौहें तान सकती हैं, लेकिन सरकार ने भी अपना होमवर्क कर लिया है। आज पहला दिन है, आज तो शांति रहेगी पूरी तरह से, क्योंकि बजट सत्र का पहला दिन है, मुलाकात का दौर भी जारी होगा। तो आज के बाद जब विधानसभा के अन्य सत्र होंगे, हालांकि 25 फरवरी से 25 मार्च तक का सदन है, बैठकें 20 होंगी, लेकिन एक महीने का दौर है और होली का त्योहार भी इसी दौरान आना है, तो मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष थोड़ी मैच्योरिटी अपनी दिखाएंगे और सत्र बेहतर तरीके से चले, लोगों की समस्याएं सदन के अंदर उठे, इस बात पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए तो बेहतर होगा राजदा। बिल्कुल अजय, जिस तरीके से जनहित के मुद्दे उठाए जाने चाहिए वो कहीं ना कहीं गौण हो जाते हैं सत्र के मद्देनजर, क्योंकि पक्ष विपक्ष हंगामे करने से बाज नहीं आते, इस बार भी ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं। लेकिन अब सरकार के लिए मुश्किल ये भी हो सकती है अजय, कि जहां मॉब लिंचिंग की बात करें, भाषा विवाद की बात करें, या फिर शराब नीति की बात करें, नई शराब नीति के को लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल राजदा, देखिए नई उत्पाद नीति पर सरकार सदन में यह कह सकती है, पूरी आसार दिख रहे थे कल जो कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है राज सचिवालय प्रोजेक्ट भवन में, उसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि नई शराब पॉलिसी को हो सकता है कैबिनेट अपनी मंजूरी दे दे, लेकिन झारखंड राज्य राजस्व परिषद के अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, बहुत सीनियर हैं एपी सिंह, उन्होंने कुछ सवाल उठाए थे और उसके बाद ये पूरा का पूरा मामला लटकता हुआ दिखाई पड़ा। और जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि उत्पाद आयुक्त अमित कुमार भी इस मामले पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ी के कोशिश में नहीं थे, कोशिश ये हो रही थी कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में कल ले जाया जाए, लेकिन अंतिम दौर में मुझे लगता है कि 4 बजे से कैबिनेट की बैठक थी, उसके 2 घंटे पहले जो होमवर्क होना शुरू हुआ था मद एवं उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो के आवास के पास, उसमें भी बात नहीं बनी और आखिरकार यह तय हुआ कि इसे अभी कैबिनेट में भेजने से बचा जाए। तो कम से कम विधानसभा में ये मुद्दा यदि उठता भी है तो सरकार ये कहने की स्थिति में होगी कि अभी हमने अंतिम तौर पर फैसला नहीं लिया है। लेकिन अन्य जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जेपीएससी का विवाद है, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट बना, कुछ लोग नौकरी भी करने लगे, कुछ लोग डीएसपी बन गए, लॉ एंड ऑर्डर संभालने लगे, और फिर माननीय हाईकोर्ट ने कहा कि आपकी मेरिट लिस्ट ही खराब थी, उसको आप बदलिए। तो ये तमाम ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिससे कि विधानसभा में गर्मी आ सकती है, तो देखना होगा कि कौन कितना धैर्य रखता है। देखिए विपक्ष का धर्म होता है, कर्तव्य होता है कि वो सरकार का विरोध करे, लेकिन विरोध के लिए विरोध करना उचित नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मर्यादा के तहत, पिछले सत्र में देखा होगा आपने राजदा कि किस प्रकार से विपक्षी विधायक जी स्पीकर तक पहुंच गए थे, कागज तक खींचने की कोशिश हुई थी, तो ये तमाम चीजें ये बताती हैं कि आप मर्यादा में रहकर विरोध करें। कई ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार चुनकर आए हैं, उनसे जब बात करता है मीडिया तो बोलते हैं कि मैं क्या सीखूं, मैं अपने क्षेत्र की बात कहां रखूं, तो ये तमाम चीजें हैं, विरोध होना चाहिए, विपक्ष का धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन उसकी एक अपनी मर्यादा होती है, अपनी लक्ष्मण रेखा होती है, और उस लक्ष्मण रेखा के भीतर ही सदन की कार्रवाई हो तो अच्छा होगा, बेहतर होगा राजदा। बिल्कुल, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, लेकिन सवाल भी सरकार से पूछे, लेकिन जो मर्यादा है सदन की उसे बनाए रखने की भी जरूरत है, और जो वजह है सत्र की, जनहित के मुद्दे सबसे सर्वोपरि है, तो उन मुद्दों को जरूर उठाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय तमाम जानकारियों के लिए। तो आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है, दोनों खेमे एक दूसरे को पूरी तरीके से घेरने की तैयारी में भी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।